वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हेयर क्रीम पास कैसे कर सकते हैं घर पे अपनी मशीन से। तो गाइस, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो सकें। और गाइस, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले गाइस मैं बता दूं, मेरी जो हेयर क्रिम्पिंग मशीन है वो रॉक लाइट की है और कुछ इस तरीके की इसकी पैकेजिंग है। और गाइस, इसकी जो मशीन है वो है ये। और गाइस, आप देख सकते हो इसके कुछ इस तरीके से यहाँ पे जिससे हमारे हेयर क्रिम्प होते हैं ये है। और गाइस, अब मैं इसको प्लग में लगा देती हूँ ताकि ये गर्म हो सके और हम अपने हेयर क्रीम शुरू कर सकें। गाइस, मैंने इसको प्लग में लगा दिया और यहाँ पे देख सकते हो आप बटन है जिसको हमें ऑन करना है। यहाँ से गाइस, इसमें रेड कलर की कुछ लाइट जल गई है, ये ऑन हो जाएगा। और इसको गाइस अभी हम रख देते हैं। और गाइस, अभी आप देख सकते हो मेरे बाल, अभी मैंने इनमें क्रिम्प नहीं किया। और आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, मैं आपको दिखाऊंगी क्रिम्प करने के बाद बालों में कितना अच्छा लुक आता है। और अगर आप कोई भी हेयर स्टाइल बनाते हो तो भी आपके बाल बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत इजीली भी आपका हेयर स्टाइल बन जाता है क्योंकि आपके हेयर्स में बहुत पफनेस आ जाती है क्रिम्प करने के बाद और हेयर स्टाइल का भी बहुत अच्छा लुक आता है। तो गाइस, अभी इसको गर्म होने देते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। हमारी क्रिम्पिंग मशीन भी हो गई है गर्म और तब तक गाइस हमें अपने बालों को कुछ दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है। तो चलिए, अपने बालों को हम दो पार्ट में गाइस डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमें क्रिम्प करने में और भी आसानी हो। Long flights stayed on. Strange time, it's a strange time in my life. गाइस, आप देख सकते हो बालों में क्रिम दिख रही है। आप लोग देख सकते हो मैंने थोड़ी सी लेयर ली थी बालों की जिसमें मैंने क्रिम्प किया और ये कुछ इस तरीके के लग रहे हैं। गाइस, इसको हम कर लेंगे पीछे। और गाइस, हमें सारे बाल ऐसे ही करने हैं। हमें थोड़ी थोड़ी लेयर लेनी है और उसके बाद गाइस जो बचेंगे उस पर हमें वापस लगा लेनी है जिससे कि हमें थोड़ा डिस्टर्बेंस ना हो करते हुए। तो गाइस चलिए, मैं जल्दी से अपने इधर के अपने बाल क्रिम्प कर लेती हूँ। बाल हो गए हैं क्रिम्प और आप लोग देख सकते हो क्रिम्प करने के बाद देखें गाइस कुछ इस तरीके का लुक आता है क्रिम्प करने के बाद। और मेरे गाइस एक साइड के बाल हो गए हैं और मैं दूसरी साइड के भी जल्दी से कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों को। मैंने अपने बालों में क्रिम्पिंग कर ली और आप लोग देख सकते हो इसका गाइस बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है क्रिम्प करने के बाद। और गाइस, मैंने सारे बालों में कर लिए, आप लोग देख सकते हो। और गाइस, अगर आप क्रिम्प करने के बाद अपने हेयर सिंपल भी खोल लेते हो तो भी गाइस बहुत अच्छा लुक आता है। अदरवाइज अगर आप हेयर स्टाइल बनाते हैं तो गाइस, जैसे आप अगर कुछ हेयर स्टाइल बनाते हैं तो आपके बालों में कुछ काफ़ी हद तक पफनेस आ जाती है और देखिए बहुत अच्छा हेयर स्टाइल का लुक आता है। सो गाइस, अगर आप कुछ हेयर स्टाइल भी नहीं बना रहे हैं, आप सिंपल अपने बाल खोल लेते हैं तो भी गाइस बहुत अच्छा लुक आता है क्योंकि उसमें क्रिम्प दिखती है। और अगर आप अपना हेयर स्टाइल बना लेते हैं तो बहुत अच्छा लुक आता ही आता है। सो गाइस, यस, ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गाइस, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और गाइस, मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ क्रिम्पिंग हेयर का हेयर स्टाइल भी शेयर करने वाली हूँ कि आप हेयर क्रिम्प करने के बाद कौन सा अच्छा हेयर स्टाइल बना सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। सो गाइस, यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।